जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रामकेश चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर पर। एप्टीट्यूड के अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, पटवारी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है राजस्थान में जो अपने एग्जाम होने वाले हैं जिनमें एप्टीट्यूड रहता है। कुल मिला के कोई भी एग्जाम हुआ जिसमें एप्टीट्यूड रहता है उसके टॉपिक्स अपन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अभी अपना बेसिक फोकस जो रहेगा वो पटवारी के एग्जाम पर रहेगा। एप्टीट्यूड का आज टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक लेक्चर ऑलरेडी एनालॉजी का मैं अपलोड कर चुका हूँ, आज अपना मिसिंग नंबर का है। और दोस्तों ये जो आपको 60 टॉपिक दिख रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिक रीजनिंग, अल्फाबेट या कंक्लूजन पेसेज, इनके मैं एक एक लेक्चर ही लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक लंबा हुआ तो उसका दो लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन अपना जो कंटेंट रहेगा वो ऑथेंटिक रहेगा। अपन को फोकस जो है अपना एग्जाम क्रैक करने पर है, ना कि एक्स्ट्रा या कुछ वाइड पढ़ने में, उससे कोई अपना मतलब नहीं है। यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं मिसिंग नंबर की। मिसिंग नंबर मतलब कोई सीरीज अपन को दी हुई रहती है, उस सीरीज में से एक पर्टिकुलर कोई नंबर गायब कर देता है, अपन से पूछता है कि ये नंबर क्या आएगा यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए ये सीरीज जो दी हुई है, इस सीरीज में यहाँ पर भी कोई अंक दिया हुआ रहता, जैसे मान लीजिए 26 दिए हुए हैं, और फिर पूछ लेता कि यहाँ पर क्या है, या फिर इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि अंत ही अंत में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 16, 33, 65, 131, 261। दोस्तों रीजनिंग का एक ही उसूल होता है कि क्वेश्चन अगर एक बार देखने पर या एक से दूसरी बार पढ़ने पर अगर अपन से लगता है कि अपन सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ही उसको आप छुएं वरना छोड़ के आगे बढ़ जाएं। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें एक बार रह गए तो वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। थोड़ा आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आप दूसरी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो 16, 16 के दुगने 32, 32 में 1 जोड़ा तो 33, यहाँ पर क्या हो गया 16 के दुगने 32, 32 में 1 जोड़ा तो 33, 33 जिसमें 33 आ गया अपना। और यहाँ पर क्या हो रहा है 33 के दुगने 66, 66 में 1 घटाया तो 65, 65 के दुगने कितने हो गए 131 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 131। और यहाँ पर क्या हो रहा है 131 के दुगने कितने हो गए 262, 262 में 1 घटाया तो कितना आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दुगना करके इसमें एक जोड़ना है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा अपना 200, का दुगना हो जाएगा मेरा 523, क्या हो जाएगा 522 में जैसे ही एक जोड़ूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 523 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर जी ने दिया सही जवाब। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसको ध्यान से देखिए, 10 के बाद क्या हो रहा है 10, 13, 16, 19। और इसको दोबारा देखिएगा आप, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40। तो आपको ऐसे ही लग गया होगा इसको देखते ही कि ऑप्शन मेरे आंसर 40 आना चाहिए, क्योंकि क्या सीरीज चल रही है, 5 को दुगना किया तो 10, 10 को दुगना किया 20, और 20 को जैसे मैं दुगना करूंगा तो यहाँ पर मेरे क्या जाना चाहिए 40। और ये वाली इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़े 19, 19 में 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा इसके बाद 22। तो ये था आसान सा सवाल, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया अपना बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। नेक्स्ट क्या आएगा भाई साहब, तो सोचिए इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। तो जैसे आप इसको दोबारा ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको यही पता लग जाएगा क्या हो रहा है, 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, इसका आंसर आता जा रहा है। आप देखेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, स्क्वेयर वर्ग का मतलब स्क्वेयर होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो ऐसे 8 का वर्ग करूंगा तो 68 क्या हो गया 8 8 जा 64, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 8 जा 64, चलना भाई 64। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। कितने आसान आसान सी क्वेश्चन है, बस करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन का टेक्निक समझनी है कि इसमें कौन सा किस तरीके का मेथड लग रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 2, 4, 12, 48, 240। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आ गया 4 आ गया।
चार को तीन से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 12 आ गया भाई साहब। 12 को चार से गुणा कर दो, 12 को चार से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 48 आ गए। और इसको अगर चार से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चार से गुणा करते हैं 240, क्या हो जाएगा 240। अब इसको कर दो पांच से गुणा, सीरीज चल रही है ना, दो से गुणा किया, तीन से गुणा किया, चार से गुणा किया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पांच से गुणा करना था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर पांच आएगा और इसको छह से गुणा करना। यहाँ पर 48 को जैसे पांच से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, और इसको छह से मल्टीप्लाई करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको छह से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, 6 4 24 का 4, हाँ सिर्फ लगे 2, और 6 2 12 है ना। ये पहाड़ है उस जमाने के हैं जब इंग्लिश मीडियम नहीं हुआ करती थी, तो 6 2 12, 12 और 2 14, ऑप्शन क्या आ गया 1440, ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। तो यहाँ पर शायद ये मिस प्रिंट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 2 4 12 48 240, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसको किस तरीके से देखेंगे अपन, 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गए। अब 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 को 3 से गुणा किया तो क्या हो गया, 12 आ गया मेरा। 12 को 4 से गुणा किया, 12 चौक 48, 48, तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है अपन, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो कितना आ गया 240, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही 240 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1440, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 7 11 12 14 17 17 22, तो इसमें क्या हो रहा है, समझो इसको, कुछ तो हो रहा होगा इसमें, यहाँ पर कुछ तो आना चाहिए। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं अपन, क्या है इसमें 8 7 11 12 14, तो शायद इसको मैं अगर गौर से देखूं तो ऐसा कुछ हो रहा है, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में 3 जोड़े तो 14, और 14 में 3 जोड़े तो 17, बन रहा है क्या, बन रहा है साहब ये भी, अरे एक ही ऑप्शन खुल जा भाई, 7 में 5 जोड़े तो 12, 12 में 5 जोड़े तो 17, और 17 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 22। तो इसमें क्या करें, 17 में अपन यहाँ पर 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 20 हो जाना चाहिए मेरा, ऑप्शन 20, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा आंसर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ये देखो कंप्यूटर जी ने दिया सही जवाब, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 13 17 19 23 29 31 37 41, अब पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा बाबू साहब, तो बाबू साहब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर देंगे इसको, इतना कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं। इसको दोबारा से देखेंगे ना तो 11 13 17 19 23 29 31 37 41, 43 कैसे, इसमें वही सीरीज आ रही है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, क्या आ रही है प्राइम नंबर, तो 41 के बाद की प्राइम नंबर क्या होनी चाहिए अपनी 43, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 43, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 24 12 36 18 54, दोबारा से देखता हूँ मैं इसको, 8 24, 8 से गुणा किया, 8 को 3 से गुणा किया तो 24, 24 का आधा करूँगा तो 12, 12 को 3 गुना 12 36, 36 को आधा किया तो 18, 18 मिल गया साहब, मिल गया, क्या कर रखा है, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और 24 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 12, अब 12 को जैसे ही 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 36, 36 को आधा किया तो 18, 18 को 3 से गुणा किया तो 54, 54 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, क्या आ जाएगा 27, यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन ए सही जवाब, जिन जिन का ऑप्शन ए आ गया वो सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 6 12 20 30 42 और 56, आगे पूछ रहा है कि क्या आएगा, जल्दी से दिमाग लगाइए क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे 2 6 12, तो चलिए इसको सोचते हैं अपन, क्या कर रखा है, 2 में 4 अगर मैं ऐड करूँ तो 6 हो जाएगा भाई साहब, और 6 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो 12 हो गया, ये भी सही है, 12 में अगर मैं 8 ऐड करके देखता हूँ, 12 में 8 ऐड किया मैंने तो कितना आ गया 20 आ गया, ये भी सही है, अब 20 में कितना 10 जोड़ रखा है क्या, हाँ
20 में 10 जोड़ते 30 हो गया, तो क्या क्या 4 6 8 10 12 यहाँ पे 14 यहाँ पे 16 और नेक्स्ट अपना आ जाना चाहिए। इसमें जैसे 16 ऐड करेंगे तो आ जाना चाहिए। चलिए इसमें 16 ऐड करते हैं, 1 6 6 6 12 का 2 हासिल कर लगा, 1 और 6 1 7 72, 72 ऑप्शन में है क्या, तो अपना 72 आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, कंप्यूटर जी बताइए ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 -8 16 -32 64। माइनस कुछ तो आना चाहिए क्योंकि ये भी माइनस में आ रहा है भाई साहब, और इसके बाद वाला भी माइनस में आ रहा है, तो फिर इसके यहाँ वाला भी माइनस में आएगा। पहली चीज़ तो डिसाइड हो गई कि ये माइनस में आने वाली है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का 32, 32 का 64 और 64 का दोगुना कितना हो जाएगा, 128। देखते हैं, चेक करते हैं, कंप्यूटर जी बताइए। कंप्यूटर जी ने दिया जवाब ए। अरे ए तो गलत है, ये शायद यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। -120 है, यहाँ पर ए की जगह बी है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 7 26 63 124 252 342। तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर देखने से आपको लग रहा होगा कि संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं कि 2 4 6 की टर्म में ज़्यादा ही अंतर है, 7 और 26 में तो बहुत अंतर है। तो देखो अपन दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का क्यूब करो साहब, 2 का क्यूब करो, 2 2 4 4 2 8 यहाँ पर कितना आ रहा है, 7, 2 का क्यूब करके 1 घटा दो, 7 आ गए। अब यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब किया अपने, तो 3 3 9 और 9 3 27, 27 में 1 गया तो 26, 4 का क्यूब करो, 4 4 16, 16 चौक 64, 1 किया तो 63। यहाँ पर ऐसे ही 5 का क्यूब हो रहा है और 1 घट रहा है, यहाँ पर 6 का क्यूब हो रहा है और 1 घट रहा है, यहाँ पर 7 का क्यूब हो रहा है और 1 घट रहा है, क्योंकि 7 के क्यूब 343, 343 हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम एज अपन क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे और 1 घटा देंगे, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो करिए 8 64, 64 को करो 8 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, वैसे तो ये याद होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना ऑप्शन क्या आने वाला है, 512, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, 512 में से 1 घटाते हैं कितना रहेगा, 511 आंसर होना चाहिए। इसको करके देख लेते हैं, 4 8 32 के 2 वहाँ से निकल आगे 3, 8 6 48 और 3 17 हो गया। बताओ रे भाई, आओ बताओ रे, 51 घटा लो 1 तो कहीं रह गए 511, ऑप्शन बी सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 10 13 26 29 58 61, आगे बताओ क्या है। चलो सोचो आप फटाफट इसको 1 मिनट का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 5 के दुगने 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 के दुगने 26, 26 में 3 जोड़े 29, 29 के दुगने कितने हो गए, 58, 58 में 3 जोड़े क्या आ गया, 61, 61 के दुगने यहाँ पर हो जाना चाहिए। कर क्या रखा है, इसको दुगना करके 3 ऐड कर दिया, +3 है ना, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 3 जोड़ रखा है, दुगना करके 3 यहाँ पर, फिर इसको दुगना करके 3 यहाँ पर, दुगना करके 3 यहाँ पर, तो अब इसको दुगना करना है। 61 को दुगना कितना हो गया, 62, सॉरी 122, ऑप्शन ए क्या मेरा हो जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 31 63 127 और 225, तो क्या फिनोमिना यहाँ पर लग रहा है, बताइए बताइए, जल्दी से दिमाग लगाइए क्या आंसर होगा, क्या होना चाहिए। 15 को 31 63 127 225 255, तो ये शायद इस तरीके से हो रहा है। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 2 से गुणा करो, 15 दूनी 30, 2 से तो गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, देखें 131 आ गया। अब यहाँ पर भी करते हैं सेम यही, 2 से तो गुणा करो, 31 को 2 से गुणा किया तो 62, 62 और 1 किया तो 63, सेम ऐसे इसको भी 2 से गुणा करो, 2 से तो गुणा करो और 1 जोड़ दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो 126, 1 जोड़ा तो 127। चलो अपना मिल गया, अब डायरेक्ट इसको भी यही कर लेते हैं, इसको 2 से तो गुणा कर लेते हैं और 1 जोड़ देंगे इसमें,
पांच दूनी 10 के 0, हाँ छिलका लगा एक, पांच दूनी 10 और एक 11 को एक, हाँ छिलका लगा एक, जोड़ दो 4 एक 5, 510 जोड़ा एक तो क्या आ गया 511। कंप्यूटर जी बताइए क्या यही सही जवाब है? ऑप्शन बी है सही जवाब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 1 8 1 8 27 64 125 216, यार ये तो कुछ चक्कर लग रहा है। क्यों क्यों लग रहा है भाई साहब चक्कर? 2 का 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 5 का क्यूब, है ना 5 का क्यूब, अगर 3 बंडन भैया, 6 का क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 7 का क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले किए ही थे अपन ने, 343। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया, कंप्यूटर जी ने बता दिया सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 7 6 5 9 3 12 1 और 5, फटाफट बताइए इसमें क्या लग रहा होगा, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी जल्दी। लगा क्या कुछ है? कुछ तो लगा होगा। 3 7 6, इसको ऐसे देखें अगर अपन, मैं देखो इसको देखने का नजरिया बदलता हूँ मेरा, कि 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12 और 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 में 3 जोड़े तो 18। यहाँ पर तो आ गए 18, बात करनी है यहाँ की, तो यहाँ की बात करते हैं। 5 5 में से 2 घटाए, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 7 में से 2 घटाए 5, 5 में से 2 घटाए 3, 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 2 घटाए तो -1, क्या जाना चाहिए -1। तो ऑप्शन सी कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब, ऑप्शन सी है सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ये आपको करना है, नेक्स्ट सीरीज में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको और भी क्या मटेरियल चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।